एशिया के सबसे बड़े बांध टिहरी बांध के पास पिपोला खास गांव में निवास कर रहे 190 परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। गांव आयसर होने लगे, लोगों के घरों में दरारें आ चुकी हैं और ये दरारें बढ़ती ही जा रही हैं। लोगों का कहना है कि 42 वर्ग किलोमीटर की झील के जलस्तर के बढ़ने या घटने से ऐसा हो रहा है। इसकी क्या कुछ वजह है, इस खास रिपोर्ट में आपको हम दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। यहां के ग्रामीण और वकील शांति प्रसाद भट्ट बताते हैं कि विगत वर्षों में राज्य सरकार ने जब बांध निर्माण कंपनी THDC को रिजर्वायर झील का जलस्तर RL 820 मीटर से RL 830 मीटर तक भरने की अनुमति दी थी और THDC ने तब जलस्तर RL 832 मीटर तक भरा। इससे THDC और सरकार खूब धन लाभ हुआ, देश को भरपूर बिजली और पानी मिला, लेकिन झील से प्रभावित आंशिक डूब क्षेत्र के ग्रामों परिवारों का विस्थापन होना अभी भी बाकी है। चूंकि RL 835 मीटर तक के ग्रामों को पुनर्वासित करने के लिए पुनर्वास नीति 1998 थी, जो केवल RL 835 मीटर तक के लोगों के लिए ही थी, लेकिन झील का जलस्तर बढ़ने से RL 835 मीटर से ऊपर के लिए कोई नीति नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने NDJL बनाम भारत संघ और टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य की याचिका पर केंद्र, राज्य और THDC के आदेश दिया था कि RL 835 मीटर से ऊपर के प्रभावित ग्रामों और परिवारों के लिए एक नई पुनर्वास नीति बनाई जाए। तब केंद्र, राज्य और THDC ने मिलकर एक नई पुनर्वास नीति संपार्श्विक क्षतिपूर्ति नीति 2013 बनाई, जिसे 2021 में संशोधित किया गया और इस नई नीति में वे सभी ग्राम और परिवार विस्थापित होंगे जिन्हें संयुक्त तो विशेषज्ञ समिति यानी JEC अपनी संस्तुति देगा। JEC को हर छमाही में इन ग्रामीणों का निरीक्षण करने के आदेश दिए गए थे ताकि हर छमाही में वे अपनी रिपोर्ट दे सकें। ग्राम पिपोला खास के एक भूभाग को JEC ने यह कहकर संस्तुति दी थी कि ग्राउंड मूवमेंट के कारण ये भूभाग हाईली अनस्टेबल है और इन्हें विस्थापित किया जाए, लेकिन JEC के द्वारा विस्थापन के लिए संस्तुति किए गए इस भूभाग से 20 मीटर की दूरी से ग्रामवासियों के मकान लगे हुए हैं जिनमें दरारें आ रही हैं और ये कैसे संभव, उनका कहना है कि जब गांव के 20 मीटर पर जमीन में हलचल हो रही है और भूभाग अस्थिर है तो गांव कैसे स्थिर रह सकता है। ग्राम पिपोला खास में पहले हल्की दरारें आई और फिर ये धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, आगे और भी खतरनाक स्थिति हो सकती है। वहीं यहाँ पिपोला खास गांव में निवास कर रहे 190 परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। यहाँ पर परिवार डर के कारण गांव से पलायन कर चुके हैं तो कहीं परिवार पलायन करने को मजबूर हैं। गांव के पुराने ही नहीं, नए घरों पर भी मोटी मोटी दीवारें और नए दरारें यहां पर पड़ चुकी हैं। वहीं वर्ष 2021 में ग्रामीण सुषमा देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार के द्वारा आवास दिया गया, मगर 2 साल में ही उनकी आवास में भी दरारें पड़ चुकी हैं। विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील के बढ़ते घटते जलस्तर के चलते पिपोला खास गाँव में लगातार घरों में दरारें पड़ रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह मकान जो जमींदोज होने की कगार पर हैं, मकान पूरे तिरछे हो चुके हैं और लगभग ढहने की कगार में है। लोग काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। लोगों का कहना है कि जब से यहाँ पर ये भूस्खलन की स्थिति पैदा हुई तो काफ़ी हद तक लोग यहाँ से प्लान कर चुके हैं, लगातार गाँव के गाँव खाली होते जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं कितनी दिक्कतें कितनी परेशानी। आपका शुभ नाम जी? मैं शांति प्रसाद भट्ट हूँ, ये मेरा ही गाँव है, ग्राम पिपोला खास। जी कितनी दिक्कतें कितनी परेशानी हो रही है? देखिए, ये पिपोला खास गांव ग्राम जो है ये टिहरी बांध की जो मुख्य दीवार है उससे 2 किलोमीटर की परिधि में है और ठीक इसके नीचे टिहरी बांध का रिजर्वायर है। ये झील जब से 29 अक्टूबर 2005 को जब ये बढ़नी शुरू हुई और जब राज्य सरकार ने THDC को जल भराव की अनुमति दी, जब बढ़ा, पहले 820 मीटर था और 830 मीटर की जब अनुमति दी, जब इसमें जल का स्तर बढ़ा और बढ़ने घटने से इस गांव में समस्या पैदा हुई। पहले तक हम लोग ठीक थे, लेकिन जल स्तर घटने बढ़ने से अब आप देख रहे हैं कि घरों में दरारें आनी शुरू हो गई है, मकान टिल्ट होने लगे हैं। और इसके बगल वाला एरिया, जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति यहां पर आई थी, संपार्श्विक क्षतिपूर्ति नीति जो है उस नीति के अकॉर्डिंग इस गाँव का सर्वेक्षण उन्होंने किया था, तो उन्होंने इससे 10 से 15 मीटर आगे का जो एरिया है सावित्री सेन नामे तुक, उसको कहा अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस एरिया के नीचे ग्राउंड मूवमेंट हो रहा है और ये हाईली अनस्टेबल है। तो जब ये हाईली अनस्टेबल था तो वहाँ 5-7 मकान उन्होंने हटाए जो जमींदोज हो गए थे और एक शिशु मंदिर था, विद्यालय, उसको भी हटा दिया क्योंकि वो जमींदोज हो गया था, उनको भुगतान कर दिया, उनको हटा दिया। लेकिन इससे 10 मीटर की परिधि में गांव की रिहायश है, गांव के मकान हैं, इनको नहीं छेड़ा गया, लेकिन इनमें धीरे धीरे दरारें बढ़ती गई और आज हालात ये हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये हालात हैं कि पूरी ये मैं बता रहा हूँ, ये पूरी लाठी इतनी इन दरारों में जा रही है, ये एक एक दरार आप देख सकते हैं, घर पूरा जमींदोज होने की कगार पर है। अगर आप इसके घर के अंदर, मैं अगर आपको ले चलूँ तो आप इसकी फर्श को अगर आप देखेंगे, वो लाइट के अंदर
इसकी फर्श को आप देखेंगे, ये फर्श के हालात है। ये पूरी फर्श जो है ये पूरी बीचों बीच दरार आ चुकी है फर्श की, और ये करीबन 2 मीटर नीचे है। 2 मीटर की लाठी मैंने इसमें डाली थी, ये 2 मीटर नीचे तक है। और ये पूरी दीवारें देखिए आप ये, और ये एक घर के हालात नहीं है, लगभग इस गांव के 190 परिवारों के घरों की ये हालात हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, कोई अगल बगल के घरों में रह रहा है। और मेरा तो प्रशासन से अनुरोध है, मैंने तो जिलाधिकारी महोदय को लिखित में ज्ञापन भी दिया है, अभी तहसीलदार साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी संभवतः अपनी रिपोर्ट दी होगी। पिपोला खास गांव में बने प्राथमिक विद्यालय के भवन की स्थिति भी जर्जर हो चुकी है। इसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। स्कूल की अध्यापिका यहां पर बताती हैं कि बरसात के समय स्कूल का भवन किसी भी समय जमींदोज होने का खतरा यहां पर बना रहता है, इसके चलते बरसात में उनको मजबूरन स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। दिक्कत होती है सर, क्योंकि यहाँ पे सारा पानी टपकता है, एक भी वो नहीं होता, मतलब बूंद ऊपर नहीं टपक, सारा नीचे टपकता है, जितना भी पानी होता है ना, हमारे छत में बैठने लायक ही नहीं होता उस समय। बच्चों को हम मतलब या तो छुट्टी करनी पड़ती है छोटे बच्चों की, या तो फिर बोलते हैं कि एक ही जगह पे ग्रुप बना के उनको एक जगह पे बिठाते हैं, क्योंकि सारा छत टपक टपक के सारी किताबें उनकी ख़राब हो जाती हैं। बच्चों की बरसात में बहुत दिक्कत होती है यहाँ। आपने अपने उच्च प्यार को पत्र लिखा है इस बारे में? कई बार लिख दिया हमने पत्र पर, अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई इसमें। पिपोला खास गांव की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो गांव की ही काफ़ी नाजुक स्थिति यहां पर बनी हुई है। अगर छोटा सा भी भूकंप का झटका यहां पर आता है तो कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। गांव के कई मकान जमींदोज हो सकते हैं और कई लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। ग्रामीणों का यहां पर ये कहना है कि जल्द से जल्द उनका विस्थापन किया जाना चाहिए। दिन प्रतिदिन दरारें बढ़ती जा रही हैं। 2005 के बाद पहले इन्होंने झील का जलस्तर 820 किया था, उस टाइम तो सामान्य सी दरारें, छोटी छोटी दरारें थी। जैसे ही इन्होंने झील का जलस्तर बढ़ाया 820 से 832 से ले गए, पानी का उतार चढ़ाव हुआ, वैसे यहाँ पे ज़मीनों में दरारें ज़्यादा पड़नी शुरू हो गई। तो फिलहाल इसी के साथ आज का उत्तराखंड में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।